नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन, मैं हूं आपके साथ कनिका। गाजियाबाद में मेरठ जोन के आईजी आलोक कुमार आज शाम गाजियाबाद पहुंचे और उन्होंने गाजियाबाद के विभिन्न इलाकों में पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 144वीं जयंती है और लोगों के बीच फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं, जिससे कि लोगों में पुलिस के प्रति एक विश्वास उत्पन्न हो। इस उपलक्ष्य में आप आए गाजियाबाद, जैसा आप अवगत हैं आज राष्ट्रीय अखंडता दिवस है और भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का आज 144वां जन्म दिवस है। आज राष्ट्र में सभी जगह, सभी जनपदों में, क्षेत्रीय नागरिकों में एक सुरक्षा का प्रबल भाव उत्पन्न करने के लिए ये फ्लैग मार्च सभी सशस्त्र बलों द्वारा किया गया है। इसमें पुलिस भी है, पीएसी भी है, हमारी स्पेशलाइज यूनिट्स भी हैं, महिला फोर्स है, और ये शहर के विभिन्न भागों में, विशेषकर ऐसे क्राउडेड स्थल में जहाँ सभी तरह के लोग रहते हैं, उनके बीच में से ये आज मार्च निकाला गया है। अब इस मार्च के बाद मैं अधिकारियों के साथ बैठ के एक जनपद की कानून व्यवस्था के संबंध में समीक्षा भी करूंगा और आगामी दिनों के लिए क्या इनकी तैयारी है उसकी समीक्षा करूंगा। क्षेत्र के लोग भी आपसे मिले तो सब में उत्साह था कि पुलिस उनके बीच में पहुंच गई, हालांकि पहले भी थे त्यौहार के समय भी। त्यौहार के समय भी पुलिस लगातार क्षेत्र के में है, नागरिकों के बीच में है, अच्छा संबंध है, अच्छा संपर्क है, अच्छा समन्वय है। इसी को और प्रगाढ़ करने के लिए, इसी को और मजबूत करने के लिए आज मैं स्वयं भी यहाँ अपने जनपद की पुलिस टीम के साथ हूँ। जी सर, क्या आप ये मानते हो कि